तो ये देखिए, मैंने मंगाया है फ्यूचरा का हार्ड एनोडाइज तवा, जो बहुत बढ़िया है। ये देखिए, अभी मैंने खोला नहीं है इसको। ये है, ये देखिए लिखा हुआ है फ्यूचरा हार्ड एनोडाइज्ड तवा ग्रिडल, 26 सेंटीमीटर डायमीटर है, 4.8 एमएम है थिक। तो ये हॉकिंस का है, हॉकिंस का अपने आप में बड़ा नाम है। और आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी है अनबॉक्सिंग की, तो आप मुझे लिखिएगा, तो मैं और बनाने की कोशिश करूंगी और आपको सही रिव्यू देने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, ये है ये तवा, सुंदर सा तवा। ये स्टे कूल क्लासिक एडिशन विद स्टेनलेस स्टील हैंडल, ये हैंडल है इसका। इसमें कुकरी बुक भी है, कुक बुक है। चलिए देखते हैं, ये इसमें लगी है टेप, इसको निकाल लेते हैं। मैं आपके सामने ही इसको खोल रही हूँ। बहुत अच्छे से पैकिंग है। इस बॉक्स में और कुछ नहीं है, तो इस पॉलिथीन को खोलते हैं। और ये देखिए, बहुत सुंदर सा तवा। ये है इसमें बुकलेट, वाओ, रेसिपीज हैं इसके अंदर, 10 के करीब रेसिपीज हैं। ये आप देख सकते हैं, मक्के की रोटी है, पनीर टिक्की है, पराठा है, आलू पराठा है, पुदीना पराठा है। तो ये भी हम ट्राई करके जरूर बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, हिंदी इंग्लिश में है। देखिए, हाउ टू यूज, हाउ टू क्लीन, वॉश आफ्टर एवरी वॉश, अवॉइड बेक्ड ऑन फूड, ईजी टिप्स फॉर बेटर कुकिंग, ये सब इसमें लिखा हुआ है। जो रेसिपीज हैं वो हैं इसके अंदर। ये देखिए, पूरी बुकलेट में आपको सारी इंफॉर्मेशन है। इधर से अगर आप ये देखें तो ये हिंदी में है, तो कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में इधर देख सकते हैं, और जिनको हिंदी नहीं देखना है, इंग्लिश देखना है, तो वो उधर देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा बुकलेट। ये इसमें कुछ कॉशंस हैं। सबसे पहले लिखा है ये नॉनस्टिक नहीं है। सम फूड्स विल रिक्वायर सम ऑयल और वाटर, और केयरफुल कंट्रोल टू हीट ऑफ हीट टू प्रिवेंट स्टिकिंग। तो ये नॉनस्टिक नहीं है, इसलिए आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हम नॉनस्टिक पे बना रहे हैं। चूल्हा पर आप यूज ना करें इसको। डू नॉट कट ऑन प्रोडक्ट, एक स्क्रैच आ जाएंगे नहीं तो इस पर। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप अच्छे से देख सकते हैं, ये हिंदी में है। आप देखिए, बहुत अच्छे से सब लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। और ये है फ्यूचरा हार्ड एनोडाइज, कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं है। स्क्रू जो है वो बहुत अच्छे हैं, देखिए बहुत मजबूती से लगे हैं, और बहुत अच्छा हैंडल है। ये देखिए, बहुत अच्छे से। तो मैं इसको आपको इसका रिव्यू भी दूंगी, यूज करके भी बताऊंगी। और इसको जब हम स्टिकर को निकालें, तो पहले ऐसे निकालने की कोशिश ना करें। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूं कि जब भी आप स्टिकर निकालें, इसको थोड़ा सा तवे को गर्म करें, या जो भी बर्तन है आपको उसके दूसरी साइड से गर्म करें, उसके निकालें। मैं आपको दिखाऊंगी निकालकर। तो ये तवा बहुत यूजफुल है रोटी बनाने के लिए। और उसके लिए इस बॉक्स पर भी हम चेक कर लेते हैं। यहां भी इसका ये दिया हुआ है, ये देखिए पूरा एमआरपी इसका 895 है, बट इस पे ऑफर आती रहती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। अमेजोन से मैंने मंगाया है, ये देखिए, इस पर भी यहाँ
लिखा हुआ है एक्स्ट्रा थिक ब्लैक मेटल स्प्रेड हीट इवनली इज मोर ड्यूरेबल. कभी कभी जब हम लोहे का तवा यूज करते हैं कोई भी तवा, वो हमारा बीच में से घिस जाता है, बीच में से जल्दी गर्म होता है और साइड में से गर्म नहीं होता है, तो ये ऐसा सब नहीं है. और गारंटी है 5 ईयर्स की, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वारंटी नहीं गारंटी है 5 ईयर्स के लिए, तो वो भी बहुत बढ़िया है. और ये देखिए इधर भी ये इसके डिफरेंट कुकवेयर्स हैं, ये आप जब देखेंगे उसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे कुकवेयर हैं, डिफरेंट साइज़ के तवा हैं. इसका साइज ये है जो मैंने मंगाया है, यानी डोसा तवा अलग है इनका, तो आप वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं. चारों तरफ से इस पे आपको दिखाया हुआ है. और ये है प्रोडक्ट कोड, यानी कौन सा तवा है, अगर आपको देखना है कि यही तवा मंगाना है तो ये 826 है, यानी आप कोड डालेंगे तो आपको यही तवा मिलेगा. तो आइए देखते हैं कि स्टिकर कैसे निकाला जाए. सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इसको तवे को इसके ऊपर रखेंगे, गर्म होने देंगे हल्का सा. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है अनबॉक्सिंग की तो आप जरूर लाइक कीजिए, लाइक करने से मुझे हौसला बढ़ता है. और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें. हल्के हाथ से हम इसको धीरे धीरे ऐसे करेंगे और ये ऐसे निकल जाएगा. देखिए जो स्टिक पार्ट है इसका, ये इस तरह से आसानी से निकल जाएगा. तवा गर्म होता है ध्यान रखना है, तो ये तरीका है स्टिकर को निकालने का. तो ये देखिए मैं तवा जो है फ्यूचरा का आपको दिखा रही हूँ. काफ़ी टाइम मुझे अभी इसको यूज़ करते हुए हो गया है, मैंने वीडियो पहले बना के रख ली थी अनबॉक्सिंग की, सोचा आपको रिव्यू भी दिखाऊंगी. ये देखिए मैंने इस पे चपाती डाल दी है तवा गर्म होने के बाद, और अब हम इसके सिकने की इंतज़ार करते हैं. अब रोटी को हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ से भी हम इसको थोड़ा सा ब्राउन चित्ते आ जाएं तब तक सिकने देंगे. ये देखिए इधर से बहुत अच्छे से ही सिक गई है, अब हम इसको नीचे सेक लेंगे. बहुत अच्छी रोटी बनती है इस पे, तभी मैंने आपको सोचा मैं बताऊं आपको, रिव्यू इसका दूं कि भाई ये रोटी बनाने में बहुत अच्छा है. ये देखिए परफेक्ट रोटी. रोटी के बाद हम डालेंगे इस पे पराठा. दोनों चीजें मैं आपको सेक कर बताऊंगी. और देखिए इसको सॉफ्ट उससे ही साफ कीजिए, कोई स्टील वूल वगैरह से आप साफ ना करें क्योंकि स्क्रैच आ जाएंगे तवे पर. और बहुत ध्यान से यूज कीजिए, मुझे इसे हो गए हैं 1-2 महीना यूज करते हुए, तवे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से ये सिक जाता है. ये देखिए इवनली गर्म होता है और बिल्कुल अच्छा है. बहुत बड़े चूल्हे पे, ये देसी चूल्हा जो आता है या भट्टी वाला चूल्हा उसके लिए ये नहीं है, घर की गैस पर बनाने के लिए ये तवा है. आप देख सकते हैं बहुत जल्दी जब ये गर्म हो जाता है तो चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाता है. रोटी मैंने बनानी आपको बता दी है और अब हम बनाना बताते हैं पराठा. इसमें हम लगाएंगे ऑयल. मैंने ये मेथी का आटा लगाया हुआ है, अचानक ध्यान आया कि मैं तवे का रिव्यू आपको दूं, तो आप सादे आटे से भी जो बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से बनती हैं. ये देखिए तो ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाता है, बिल्कुल अच्छे से. देखिए फूले फूले पराठे. तो अगर आप तवा लेना चाहते हैं नया तो इससे बेस्ट तवा नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी तवे को लीजिए. ये देखिए परफेक्ट. आप पास से देखिए कितने अच्छे से ये सिक गया है. ये देखिए चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है पराठा, हमारा तैयार है. तो आप ये तवा जरूर मंगा सकते हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच.
Thank you.